हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। आज हमारी किचन में बनने वाली है बहुत ही स्वादिष्ट पालक आलू की मसाला पूड़ी। ये पूड़ियाँ बनती ही इतनी स्वादिष्ट हैं कि इन्हें आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, एक दिन पुरानी भी खा सकते हैं और इन्हें आप सफ़र में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वादिष्ट पालक आलू की मसालेदार पूड़ियाँ। पालक की पूड़ी बना रहे हैं तो इसके लिए हमें मेनली दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए, पालक एंड डो के लिए आटा। तो सबसे पहले हम पालक को अच्छे से वॉश करेंगे एंड इसे हल्का सा बफाएंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए लो फ्लेम पर आप 2 से 3 मिनट इसे ढककर रख दें। ये देखिए कितनी जल्दी पालक पक जाती है, इसलिए हमें इसे 2 से 3 मिनट लाइट ही पकाना है। एंड पालक जब पक जाए तो तुरंत इसे आप ठंडे पानी में डाल दें ताकि इसका कलर एज इट इज़ रहे। एंड आफ्टर देन आप इसे 2-3 दिन बाद तक भी यूज़ कर सकते हैं। ठंडे पानी में डालने से पालक का कलर चेंज नहीं होता है। पालक को ठंडा करने के बाद इसे हमें लाइट ग्राइंड करना है। ये देखिए पालक को मैंने एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाया है, लाइक इसका एक स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें लाइट मैश करना है ताकि ये दरदरा वाला टेक्सचर इसमें रहे। पूड़ी बनाने के लिए हमें इस टेक्सचर वाली पालक चाहिए, हल्की बॉइल्ड एंड हल्की मैश्ड। तो चलिए अब हम डो भी तैयार कर लेते हैं। पूड़ी का डो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बोल में 3 कप आटा लेंगे एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बेसन, 1/4 सौंफ को आप थोड़ा सा दरदरा करके भी ऐड कर सकते हैं एंड थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा साबुत जीरा, 1 चुटकी हींग एंड थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला ऑप्शनल है। अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स एंड अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स अवेलेबल ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर दें। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक एंड इसमें अब जाएगी 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा धना पाउडर। सब मसालों को आटा के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले प्रॉपरली मिक्स हो जाएं, फिर हम इसे डो तैयार करेंगे। सब मसालों को आटे में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो। ये मैंने 3 बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोस लिए हैं, आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे जो पालक हमने पीस कर रखी हुई थी, उसको भी मिक्स कर लेते हैं। पालक के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश कर्ड। एंड लास्ट में अब इसमें जाएगा थोड़ा सा मोयन के लिए ऑयल या घी। नाउ वी विल मिक्स इट प्रॉपरली।
सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से आटे में मिक्स करना है और इसका एक टफ डो तैयार करना है, क्योंकि इसमें हमने जो पालक ऐड की है उसमें भी थोड़ा पानी था एंड कर्ड भी हमने इसमें ऐड किया है एंड जो बॉइल्ड पोटैटोस हमने इसमें ऐड किए हैं, जब उसमें नमक जाता है तो ये तुरंत और पानी छोड़ देते हैं, इसलिए पानी हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। सबको अच्छे से मिक्स करते हुए टफ डो बनाना है, क्योंकि आटे का डो बनाने के बाद 10 मिनट हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा गीला हो जाएगा, मीन्स ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि पूड़ी के लिए हमें टफ डो तैयार करना है, क्योंकि हमने इसमें आलू ऐड किया है, अदरवाइज़ ये ज़्यादा रनी हो जाएगा और पूड़ी बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर आपको लगे कि डो कुछ ज़्यादा ही टफ है तो कुछ बूंद पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड डो रेडी होने के बाद इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दें। तो चलिए अब पूड़ियाँ फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने रख देते हैं। टेन मिनट्स हो चुके हैं एंड डो ने भी रेस्ट कर लिया है, तो अब हम पूड़ियाँ भी बना लेते हैं। पूड़ियाँ बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा आटा हमें हाथ में लेना है, इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है और इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर हमें पूड़ियाँ बना लेनी है। जब तक ऑयल गर्म होगा 5-6 पूड़ियाँ हम बनाकर बेल के रख लेंगे, फिर इन्हें एक साथ फ्राई करेंगे। एंड अगर डो हल्का गीला हो गया हो, आपको पूड़ी बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो थोड़ा सा आटा लेकर भी आप पूड़ी बेल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा आटा लगाकर भी आप पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर सकते हैं। आलू पालक की मसाले वाली पूड़ियों को हमें हल्का सा मोटा बनाना है, लाइक जैसे कि हम प्लेन पूड़ियाँ बनाते हैं एकदम पतली पतली, इसकी हम थोड़ी सी मोटी पूड़ी बनाएंगे। अगर एकदम पतली पूड़ी आप बनाएंगे तो ये अच्छे से फूलेंगे भी नहीं और ये खाने में भी उतनी स्वादिष्ट नहीं लगेंगी, इसलिए इन्हें हल्का सा मोटा बनाना है। पूड़ियाँ भी बिलकर तैयार हो गई हैं एंड ऑयल भी अच्छा गर्म हो गया है, तो चलिए अब पूड़ियाँ भी सेक लें। पूड़ियों को हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, अगर आप इन्हें लो फ्लेम पर सेक देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी, इसलिए पूड़ियों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेकें। एंड पूड़ियाँ तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल इतना हो कि ये प्रॉपरली डीप फ्राई हो जाएं। एंड पूड़ियों की साइड से हम पूड़ी के ऊपर ऑयल डालकर इन्हें प्रॉपरली सेक पाएं, क्योंकि अगर कढ़ाई में ऑयल कम होगा तो ये पूड़ियाँ प्रॉपरली फूलेंगी नहीं, इसीलिए पूड़ियाँ तलने के लिए हमेशा डीप कढ़ाई यूज़ करें एंड ऑयल भी सफिशियंट क्वांटिटी में ऐड करें। ये आलू पालक की मसालेदार पूड़ियाँ इतनी स्वादिष्ट बनती हैं कि इन्हें आप सिंपल अचार या कर्ड के साथ भी खा सकते हैं एंड कोई भी दाल या सब्जी के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये डीप फ्राई चीज़ों से थोड़ा सा बचते हैं या इन्हें अवॉइड करते हैं तो आप इसी डो से स्वादिष्ट पराठे भी बना सकते हैं, क्योंकि इस डो के पराठे भी बहुत शानदार बनते हैं। इस आटे के डो में इतनी सारी चीज़ें हैं कि इनसे आप पूड़ियाँ बनाएं या पराठे, सभी बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए अब हम पूड़ियों को प्लेट भी कर लेते हैं। ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ आप दही फ्राई के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये एकदम औसम लगेंगी। सो फाइनली रेडी है हमारे परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ गर्मा गर्म आलू पालक मसालेदार पूड़ियाँ।
सो प्लीज ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। स्वादिष्ट खस्ता मसालेदार पूड़ियाँ बनाने के लिए डो में हमेशा थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दें एंड पालक को भी एकदम बारीक ना पीसकर हल्का सा दरदरे वाले टेक्सचर वाली पालक ऐड करें। एंड आलू अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो इसे कम क्वांटिटी में ऐड करें, लाइक 3 आलू की जगह आप 1 आलू भी ऐड कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।